चर्चा चली तो भक्तमाल का एक चरित्र ना सुनाए तो मजे ही नहीं। विप्र हरिपाल, क्या कहना, अद्भुत संत सेवी महात्मा हुए श्री विप्र हरिपाल जी। साधु सेवा से विप्र हरिपाल जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। साधु सेवा से भगवान मिल गए कलयुग में। आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा, क्या किसी चोर को भगवान मिले? जो चोरी करता रहा हो उसे भगवान मिले? पर जो हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं, इनने जिंदगी भर चोरी की, डकैती की, और इन्हें भगवान मिले जिंदगी भर। साधु, चोरी करना बुरा नहीं है, पर चोरी करके उसका कर क्या रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चोरी करके उन्होंने साधु सेवा की तो भगवान को भी आना पड़ा। सुनिए, बड़ा प्यारा चरित्र है विप्र हरिपाल का। अद्भुत भक्त हुए श्री हरिपाल जी, क्या कहना, निष्किंचन भक्त हुए हरिपाल जी। भगवान अपने प्यारे भक्तों के साथ साथ पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरो करें जैसे बच्चे संग फिरे निहावत गाय है। जैसे गाय के साथ बछड़ा घूमता है वैसे ही भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं, डोलते हैं पीछे पीछे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे मेरे पागलो, और जोर से बोलो। एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था विप्र हरिपाल, बड़े भगवत भक्त हुए महाराज। विप्र हरिपाल साधु सेवी थे, साधुओं की नित्य सेवा करते थे। ध्यान से सुनना, रोज संतों को प्रणाम करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे। और श्री विप्र हरिपाल जी, आहाहा, जितनी संपत्ति थी साधुओं में लुटाते थे खबा खबा कर। उनसे कोई पूछता था अरे अमीरी मत मिटा लो, तो वो कहते थे जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फक्कड़पन में जीते थे, इनका भाव बड़ा दृढ़ था, बड़ा कठोर था इनका भाव, बहुत कठोर। कुछ करते धरते थे नहीं तो पिताजी ने निकाल दिया। जितनी संपत्ति थी रोज चकाचक भंडारा करवाएं, रोज दे दबा दे, गांठी बंधन बेकरें जिनके राम ना होए। हाँ, जितने साधु आवे पाओ महात्मा, राम की गंजा राम को खेत, खाओ गंजा भर भर पेट। साधुओं को ही अपनी संपत्ति मानते थे ये। अच्छा, कोई कमाए ना एकदम खर्च करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी संपत्ति स्वाहा। हाँ जी अना जी बोलो। यही इनके साथ हुआ, जितनी संपत्ति थी सब स्वाहा हो गई। अब क्या करें, भंडारा तो करवाना ही है। भंडारा, बैलगाड़ी और कुआं, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, असीमित, कोई सीमा नहीं, असीमित। तो भंडारा तो करना ही है, तो अब उधार उठाने लगे। अमीर घराने के लड़का तो कोई भी उधार दे दे, और जो उधार मिले सोई भंडारो चकाचक चलवा दे, रबड़ी माल बुआ चकाचक खाओ संतो, पाओ पाओ पाओ, जयकारा लगावे उधार लावे और खबा दे। अच्छा, उधारी भी कब तक मिले, एक सीमा होती है, ले ले दे ना वापस।
और लोग मांगने आए कि लाओ, तो बोले हम कहां से लाइए, तुम्हारे नाम को भंडारो होगा। लोग कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं, बोले तुमने नहीं करवाया, हमने करवा दिया, तुम्हें करवा नहीं पाना था तो हमने करवा दिया। तो बड़े बड़े नगर सेठ बोले भाई बड़े पागल हो, रुपया हमारा लगा, तो बोले हम थोड़ी ये कह रहे कि हमारा लगा, भंडारा भी तो तुम्हारे ही हुआ। नगर सेठ बोले हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं, बोले इच्छा नहीं भी थी तो हमने करवा दिया। लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया, ये पागल आदमी है, देना बंद करो मांगना बंद करो। अब करें क्या, धीरे धीरे संपत्ति शून्य फिर हो गई। अब तो एक दिन रात को विचार आया कि मांगने से मिलना नहीं है, संपत्ति है नहीं है, भंडारा कल करवाना है, तो एक काम किया जाए, चोरी की जाए। साधु भंडारे के लिए चोरी शुरू कर दी। रात को जाए, एक तो जो भारी कौंटल को शरीर, 2.5-3 कौंटल को इनको शरीर चोरी में, लेकिन एक इनका ईमान था, चोरी में ये संपत्ति नहीं चुराते थे, सोना चांदी नहीं चुराते थे, हट्टा कट्टा भारी शरीर, तो दाल चावल घी शक्कर गुड़ नमक मिर्चा जो भंडारे में काम आवे सोई चुरा ले आवे, और चोरी कर कर लावे और चकाचक फिर रबड़ी मालपुआ दबा करके बनावे और संतों को खूब चकाचक झूम झूम करके खिलावे। गांव के एक नगर सेठ के यहां एक रात को चोरी करने गए, एक और ईमान थी इनमें, चोरी भी उसी के घर पर करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। हाँ, अमीर तो था पर कुछ दानमान नहीं देता था, और जो दानमान नहीं देता उनकी बुराई दुर्दशा हो, लोभी को धन लावर खाए बाकी बचे सरकारे जाए। हमारे दादाजी सुनाया करते थे, हमारे लावर जानते हो, लावर यानी झूठा, लोभी का धन लावर खाए बाकी बचे सरकारे जाए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी संपत्ति झूठ वाला व्यक्ति बढ़िया से निकाल लेता है, जो ज्यादा झूठ बोल के जानता हो तो एकदम घिस घिस करके, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऊपर या इंद्र है या नीचे तुम, फिर देखो तुम। तो जो झूठ वाला व्यक्ति होता है, और साधु जी कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता, चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए, लोभी आदमी बड़े खतरनाक। तो ऐसे लोभियों की संपत्ति का ही हरण करते थे श्री विप्रहरपाल जी, जो भगवत भक्त नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात सुन लो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरितानी, धर्म किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। विप्र हरिपाल जी उसी के घर पर चोरी करते थे जो भगवत भक्त नहीं था, संपत्ति बची रही, उधारी मिलना बंद हो गई तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नगर सेठों के यहां चोरी करने लगे, चोरी में कुछ ना चुरावे, चावल आटा दाल सब्जी नमक मिर्चा घी गुड़ ये सामग्री चुरावे। एक बार एक नगर सेठ के घर ये चोरी करने गए तो खटर पटर हुआ, नगर सेठ तो सो रहा था, नगर सेठ की बेटी जग गई, अरे पिताजी उठिए उठिए, देखो कोई चोर आ गया, उठ बैठो, कोई चोर चोरी कर रहा। नगर सेठ ने दबकार करके पीट करके सुला दिया, चुप हो जा लेट जा, कोई चोर नहीं आया है, ये अपने गांव के परम वैष्णव श्री विप्र हरपाल जी अपना धन शुद्ध करने के लिए अपने घर पर आए। इनकी इतनी ख्याति हो गई, जहां कानों में इन्होंने सुना कि ये तो भगवत भक्त है, सोई पूरे और आसन फासन छोड़ करके खाली हाथ घर चले गए।
उसी समय एक ब्राह्मण की कन्या शादी नहीं करवा रही थी। उसका संकल्प था कि हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे जो वर प्रतिदिन 1000 साधुओं का भंडारा करवाएगा। अच्छा, अब एक दो दिन तो कोई भी लड़की के चक्कर में करवा दे, लुगाई के चक्कर में दो चार दिन तो पूजा पाठ सबको कर ले, और रोज कौन करवाए? रोज तो बड़ी आफत। बोलो सीताराम। तो विप्र हरिपाल जी को एक ब्राह्मण देवता ने बताया कि ऐसी ऐसी कन्या है और आप उसके साथ विवाह करो। संत आज्ञा मानकर विप्र हरिपाल जी ने सोचा कि चलो ये और बढ़िया, कम से कम पत्नी ऐसी मिली कि साधु भंडारा वो भी करवाती है, तो हमारा तो पहले से ही चल रहा, 1000 क्या 1500 हो जाएंगे, और अच्छा रहा, अब तो और आनंद आएगा, वो भी सेवा करेगी हम भी सेवा करेंगे। अभी हमें रसोई बनवाने के लिए साधुओं का सहारा लेना पड़ता, फिर हम और हमारी धर्म पत्नी दोनों मिलकर बढ़िया टिक्कड़ बनाएंगे और बढ़िया चकाचक संतों को पवाएंगे, आनंद झूमेगा, संतों का संत कीर्तन सुनाएंगे, भगवत सत्संग सुनाएंगे, संतों की सेवा होगी, घर शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, और पत्नी का हमारा दोनों का बढ़िया जोड़ा जुड़ेगा और हम दोनों आत्म कल्याण कर लेंगे। शादी कर ली। अब शादी करी तो संकल्प तो 1000 साधुओं का था विप्र हरिपाल की पत्नी का, लेकिन अब मूर्तियां कभी कभी 2000 आ जाए, कभी 5000 आ जाए, और घर पर संपत्ति इतनी नहीं। रोज का काम था चोरी करना। अब तो आसपास के गांवन में चोरी पूरी बढ़ा गई, इतनी चोरी कर ली, आदमी स्वयं सावधान हो गए। और एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन इकट्ठी 2-3 हजार मूर्तियां संतों की घर पर आ गईं। घर पर आईं तो संतों को देख करके अब मन में इनके बड़ा चिंता हो गई कि क्या करें। घर पर पत्नी के पास जाकर श्री विप्र हरिपाल जी बोले, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग जो संत घर पर पधारे हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, नाथ घर में एक दाना नहीं अन्न का, निवाला तक नहीं बन सकता, 2-3 हजार मूर्तियों को भोजन बनना तो दूर की बात, बाल भोग नहीं बन सकता। हरपाल जी ने कहा, तो आस पड़ोस से मांग लाओ। पत्नी बोली, महाराज इतना मांग लिया कि देने वालों ने भी बंद कर दिया देना, कोई देते ही नहीं है, हमारा मुंह देखते ही अगर राम राम भी करने जाओ तो दरवाजा बंद कर लेती, कहीं फिर से कुछ ना मांगने लगे। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी रोने लगे, श्री विप्र हरिपाल जी और उनकी धर्म पत्नी रोने लगी। अब तो भगवान का ही सहारा है, मन ही मन भगवान की शरण का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, हमने आपसे बहुतों की बिगड़ती बनाते हुए देखी है, आप हमारी भी बिगड़ी बनाओ। आज हमारे घर पर साधु पधार गए, अगर भूखे चले जाएंगे तो भगवान हम आज ही दोनों पति पत्नी आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे, दोनों मर जाएंगे, या तो व्यवस्था करो या संतों का मत फेरो। निष्किंचन भक्त श्री हरपाल जी की ये दशा देखकर भगवान भी अपनी दशा भूल गए, भगवान से रहा नहीं गया। द्वारका में बैठे बैठे श्री जगदीश द्वारकाधीश भगवान तैयार होने लगे, सजने लगे। भगवान एक सेठ का रूप बनाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, सरकार कहां जा रहे? भगवान ने कहा, जरूरी है बताना, शुभ काम के लिए टोका मत करो। नाथ आप जा रहे तो हमें भी बताओ कहां जा रहे। तो श्री ठाकुर जी बोले, देवी एक हमारा भक्त है विप्र हरिपाल, हम उसके पास जा रहे हैं, साधु आए हैं,
वो बड़ी दुविधा में फंस गया है। अच्छा हाँ, तो रुक्मणी जी बोली सरकार हम भी चलेंगे। ठीक है चलना, पर नाराज नहीं होना, हमें वहां लीला करनी है। और सुनो ऐसा रूप धारण मत करके चलो, तुम हमारी सेठानी बन जाओ। तो श्री ठाकुर जी बन गए सेठ, रुक्मणी मैया बन गई सेठानी। माताओं को गहने पहनने का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पति देव अगर कह दें कि जरा सद्धज कर आओ तो फिर तो क्या कहना, नक्शिक सिंगार करती हैं पैरों से लेकर के सिर तक। तो ठाकुर जी ने तो करे दो ही चार सिंगार, हमारी श्री रुक्मणी मैया ने पूरा शरीर आभूषणों से लाद लिया। इधर विप्र हरिपाल अपनी पत्नी से बोला, देवी जब तक साधु नित्य क्रिया कर रहे तुम जल पिलाओ, तब तक हम किसी को लूट कर आते हैं, लूटेंगे आज, अब तक हमने चोरी करी अब डकैती डालेंगे, लूटेंगे। तो हाथ में एक भारी बड़ा लठ लिया डंडा, और जंगल के रास्ते में खड़े हो गए कि कोई यहां से निकले और हम तो मार लठ लाल कर देंगे, जो भी उसके पास होगा, कम से कम आज मूर्तियों का भोजन तो हो जाएगा साधुओं का, बस आनंद। आहा हा, जिस गली में विप्र हरपाल जी लूटने के लिए खड़े थे संतों के भंडारे के लिए, उसी गली में भगवान श्री द्वारकाधीश प्रकट भए, रुक्मणी मैया को देकर के लूटने के लिए उसी रास्ते पर आ गए। आहा, आज तो हम लूटेंगे। और देखो कितनी करुणा नहीं हमारे सरकार की, धन्य है हमारे गोविंद, धन्य है हमारे माधव, आज तक इनको लूटते बहुत देखा, कभी गोपियों का चित्त लूट रहे, कभी माखन लूट रहे, कभी भक्तों का चित्त लूट रहे, कभी भक्तों के मन को लूट रहे, आज पहली बार ऐसे भक्त से पाला पड़ा कि ठाकुर उस भक्त के पास लूटने स्वयं चले आए हैं। विप्र हरपाल जी रस्ते में खड़े, हाथ में लाठी लिए, यहां पर लाठी लगाए हैं थोड़ी पर, ऐसे लाठी लेकर के चिंता में है, आंखें भरी हैं कि हे नाथ साधु मूर्तियां घर पर हैं, अन्न का एक दाना नहीं है, कहीं कोई साधु भूखा ना भग जाए, हम जीते जी प्राण दे देंगे, हम रह नहीं पाएंगे। साधुन संग अब लागी प्रीत और न कोई मन भावे, हमारी साधुओं के संग प्रीत लगी, अब और मन में नहीं भाता कोई। रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, ऊपर की तरफ बार बार निहारे, लाठी यहां लगाए, हे ठाकुर आज लाज बचा दो, आपने गज ग्राह गज की लाज बचाई, ग्राह का वध किया आपने, द्रौपदी की लाज बचाई आपने, सबरी की लाज बचाई आपने, भैया विदुर की लाज बचाई, हे प्रभु अब इस दास निष्किंचन भक्त की भी लाज बचा दो, संत भूखे ना चले जाए। और ये इतना सोच ही रहे थे, तब तक श्री ठाकुर जी सेठ बनकर के और सेठानी श्री रुक्मणी मैया बनकर के प्रकट हो गईं। सोने चांदी से लदा हुआ देखा तो मनीमन मुस्कुरा गए, भगवान ने दे दिया, अब तो जय जय है, अब तो गदगद हो गए, अब तो इनके पास जय जय हो गई। और भगवान भी कम कौत की नहीं, विप्र हरपाल जी ने दूर से किया, भैया राम राम सेठ जी, ए भैया राम राम मत करो, हमें ये राम राम पसंद नहीं, भगवान चिल्ला कर दौड़े। हरपाल जी मनी मन समझ गए ये पक्का जो है भगवान का विरोधी है, नास्तिक है नास्तिक, इससे तो बढ़िया रहेगा संपत्ति लेना। सेठ जी ने कहा भाई एक बात बताओ, भगवान ने कहा विप्र हरपाल से एक बात बताओ सेठ रूप में, हाँ
हमने सुना है इस गली में जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता है। विप्र हरपाल जी बोले कौन? अरे बोले तुमने नहीं सुना, विप्र हरिपाल तो बड़ा नंबर एक का डकैत है। मनीमन हरपाल जी बोले ये तो बढ़िया रहा, ये तो डरते भी है हमें। तो जोर से बोले बिल्कुल सही सुना तुमने, बचकर रहना, वो बहुत खतरनाक खूंखार है। तो सेठ रूप में भगवान बोले भाई हमें जंगल पार जाना है, आप हमें पार ले जाओ। विप्र हरपाल जी बोले हमें क्या मिलेगा? बोले अगर आप हमें पार करा दोगे तो दो मुहरें देंगे, हमारे पास संपत्ति बहुत है। विप्र हरपाल जी बोले चार मुहरें दे दो, हम तुम्हें पार करा दें। चार मुहरें ली और बोले आप यहीं ठहरो, हम अभी आए। पत्नी के पास ले जाकर के बोले देवी ये पकड़ो, जाओ सेठ के पास से कुछ ना कुछ बाल भोग के लिए ले आओ, बाद में हम भंडारे की व्यवस्था करके आते हैं। और दौड़े दौड़े श्री विप्र हरपाल जी फिर से जंगल आ गए। जंगल आए तो कहा चलो सेठ जी, तो सेठ ने कहा आगे तुम चलो। हरपाल जी बोले क्यों? बोले देखो दो कारण, शायद अगर वो डाकू हरपाल मिलेगा भगवान बोले तो एक तो सबसे पहले तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम मार खाओगे, हम तब तक भाग जाएंगे, और हम दोनों हैं पति पत्नी, पति पत्नी की बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, तुम आगे चलो। विप्र हरपाल जी लाठी लिए आगे आगे, ठाकुर जी और ठाकुरानू जी पीछे पीछे। अब भगवान इतने कौतुकी के बातें भी कर रहे तो बड़ी विचित्र बातें क्या कर रहे? देवी 3 लाख मुहरें हो गई अपने पास, 1 लाख उससे मिलना है, 2.5 लाख उससे मिलना है। इतनी लंबी लंबी बातें करी कि विप्र हरपाल जी मन ही मन गदगद हो गए कि ई भर हाँ लूट लो, सोई कल्याण हो जाने, हाँ सोई भलो हो जाने। और ये नंबर एक के नास्तिक हैं, इनमें भक्ति तो किंचित मात्र नहीं है। बीच जंगल में गए, सोई लठ लेकर के विप्र हरपाल जी ने ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा, सावधान खबरदार हो जाओ। भगवान कप गए, खड़े हो गए कोने में, तुम जिस विप्र हरपाल को डरते थे वो मैं ही हूं, लाओ जितनी संपत्ति है। रुक्मणी मैया ठाकुर जी की दशा देखकर चौंक गई, अरे जिनके बोलने से तीनों लोग थर्राने लगते हैं, धन्य है हमारे स्वामी, एक भक्त के कहने पर वो कांपते हुए कोने में खड़े हैं। जिनके नाम से काल कांप जाता है, जिनके नाम से पृथ्वी डोल जाती है, जिनके नाम से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता, ऐसे सरकार अपने भक्त की बात सुनकर के कांपते हुए खड़े हो गए कोने में। भगवान ने जल्दी जल्दी आभूषण डाल दिया। हरपाल जी बोले देखो अगर मार नहीं खानी है तो अपनी पत्नी से भी कहो कि ये भी डाले। रुक्मणी मैया से सरकार ने कहा देवी अब तो डालो, दक्षिणा लगनी है दान में। सोई रुक्मणी मैया ने अपने आभूषण उतारना शुरू कर दिए। एक मुद्री पहन रखी थी, मुद्री यानी क्या बोलते हैं, अंगूठी, मुद्री यानी अंगूठी पहन रखी थी। तो अंगूठी पहने हुए हमारी मैया रुक्मणी से उतर नहीं रही थी। विप्र हरपाल जी ने गौर से देखा कि यह भी बड़ी महंगी है, 2-4 दिन का भंडारा तो इसी में चल जाएगा। तो लठ फिर नीचे बजाकर बोले उतारो जल्दी वरना हम उंगली तोड़ देंगे। भगवान ने रुक्मणी मैया की तरफ देखा कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, श्राप ना दे दें तो सब करे कराए पे स्वाहा हो जाए। भगवान ने बिना विचार किए कांपते हुए सरकार द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप लेकर के विप्र हरपाल के सामने प्रकट हो गई। अरे भैया आज तक हमने बड़े बड़े भक्तों के चित्त लूटे, पर धन्य हो तुमने तो हमें भी लूट लिया, हमारी धर्मपत्नी रुक्मणी जी को भी लूट लिया। आंखों में आंसू आ गए विप्र हरपाल के, चरणों में लौट गए। सरकार
हमें क्या पता कि आप हो। हमारे घर पर तो आज संतों के लिए भोजन नहीं था, इसलिए हमने डकैती की। भगवान हमें क्षमा करना, ईश्वर हमें क्षमा करना, हे ठाकुर हमें क्षमा करना। भगवान ने हृदय से लगा लिया। भैया जो जिसे संत प्यारे होते हैं, भगवान ने बोले वो हमें बड़ा प्यारा होता है। सरकार बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, ये जो हमने संतों का बीड़ा उठाया तो धर्म पत्नी के कहने पर उठाया, हमें तो दर्शन हो गए, हमारी धर्म पत्नी को भी अगर दर्शन हो जाएं तो बड़ा आनंद है। भैया ठाकुर जी को रुक्मिणी मैया को पीठ पे बैठा के ले गए हरपाल जी घर पे, और पत्नी को भी दर्शन करवाए। कलयुग में, इसी कलयुग की घटना हम आपको सुना रहे हैं, इसी कलयुग में पत्नी को दर्शन करवाए, और जितने साधु भंडारे में आए थे उन साधुओं को भी ठाकुर जी के साक्षात दर्शन भए। साधु सेवा में इतनी ताकत है।